सो बहुत-बहुत स्वागत है आप दोनों का. थैंक यू फॉर हैविंग अस. चलिए आप दोनों साथ हैं, बहुत दिनों बाद हमने अभी आपको पकड़ा है साथ. हम साथ में बहुत कम ही मिलते हैं और सिर्फ शार्दुल के लिए साथ में हैं. तो हम ये मौका नहीं छोड़ना चाहेंगे. तो आज आपके जो फैंस हैं वो जानना चाहेंगे कि कैसे हुई प्यार, आज पुराने दौर में लेके जाएंगे आपको, कैसे हुई थी प्यार की शुरुआत, कैसे पहुंचा था यहाँ तक, आज जो आप लोग साथ में हैं वो फर्स्ट डे और आज का डे आप डिस्क्राइब करिए. फर्स्ट डे तो मतलब सी, अब हम दोनों एक दूसरे को जानते थे, मुझे पता था कि एक नेशनल स्विमर रह चुके हैं, नेशनल स्विमर के बाद ये इंटरनेशनल स्विमर बन गए, ओलंपियन बन गए, अर्जुन अवार्ड ही बन गए, ये मुझे जानते थे कि हाँ एक नेशनल स्विमर लड़की है, लड़की आती रहती है कभी कभी कॉम्पिटिशन में, बस इतना ही था. इनकी मेमोरी इतनी खास है नहीं तो, लेकिन मुझे याद है कि मैंने इनको देखा था टूर्नामेंट्स में. और उसके बाद हम लोग वो जो फेसबुक फ्रेंड्स होते हैं वो बन गए, पहले उसके पहले ऑर्कुट फ्रेंड्स थे जब ऑर्कुट हुआ करता था. तो दरअसल ये अपनी एक एल्बो था ना, एल्बो की एक एल्बो इंजरी थी, उसे दिखाने के लिए ये कोकिलाबेन हॉस्पिटल में आए हुए थे. मैंने देखा फेसबुक पे कि ये बॉम्बे में है एंड मैं उसी साल बॉम्बे में शिफ्ट हुई थी, तो मैंने कहा मैं भी बॉम्बे में हूँ, चलो मिलते हैं करके. और जो मिले वो अपनी इंजरी दिखाने आए थे, मुझे लगता है हमेशा के लिए घायल हो गए प्यार में. एक कोनी ठीक कराने आया था, दिल खराब करके बैठ गया, दिल को इंजरी हो गई. ये तो संजू मतलब कहते हैं ना कि लिखा हुआ था. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. कहते एक एक क्वालिटी होती है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है और मैच करती है तभी दिल मिलता है. तो वो एक क्वालिटी क्या है आप दोनों की स्विमर के अलावा? आई थिंक ऑनेस्टी. ऑनेस्टी आई वाज गोना गो फॉर the energy level that we have, the timing that we get up in the morning, the timing that we go to bed in the evening. Because sirf athlete, ek athlete ko bahut zaruri ek disciplined life jeena, and I think because ye bhi ek athlete reh chuke hain to inko bhi wo discipline pata hai. Aur when I came to Bombay, I saw her work, iska field dekha, thoda jana to samjha, tab pata chala ki isko kabhi kabhi matlab जो भी इसके जो एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स जो बोलते हैं, जो वियर्ड वर्किंग आवर्स जिसको बोलते हैं, ऑफ वर्किंग आवर्स, वो इसके थे. तो मैंने वो इसका लाइफस्टाइल समझा एंड आई थिंक द अंडरस्टैंडिंग जो हम दोनों में थी, दैट शी लेट मी बी इन माय स्पेस, आई लेट हर बी इन हर स्पेस, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द क्वालिटीज इन बोथ ऑफ अस. दैट बहुत बड़ी बात थी. और हमने जो पूजा से इंटरव्यू किया था लॉकडाउन ड्यूरिंग फोन पर, उन्होंने यही कहा था कि बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं. इनफैक्ट शूटिंग जाते समय भी सारी टिफिन भी तैयार हो सकती है. यस, नहीं इट्स अ फैक्ट. क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आजकल कपल्स एक दूसरे को टाइम नहीं देकर एक एक्सक्यूज निकाल लेते कि हमारे पास टाइम नहीं है. हमारा ऐसा है कि हमें पता है कि एक दूसरे के पास टाइम नहीं, लेकिन जब टाइम है तो फिर हम साथ में ही हैं, वैसी वाली बात है. इट इज़ मोर लाइक कि संडे को मुझे पता है कि इनको ऑफ रहता है तो मैं संडे को शूट नहीं लेती, वैसे मैनेज करती हूँ. एटलीस्ट मुझे मेरा स्केड्यूल ना भी पता हो, मुझे इनका स्केड्यूल पता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं संडे के दिन काम पर ना जाऊँ. एंड इन्हें पता है कि अगर मैं नाइट शूट करके आऊँगी तो दिन में मैं सोऊँगी, तो दिन में ही नोज़ दैट आई विल बी स्लीपिंग. तो वैसे ही मतलब टीवी नहीं चलाएंगे, टीवी चलाएंगे तो कम वॉल्यूम में चलाएंगे और धीरे धीरे किचन में से भी सामान निकालेंगे, यू नो ही विल बी एकदम मतलब वो दबे पैरों से पूरे घर में चलने की कोशिश करेंगे. सो आई थिंक दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट देना. एक इसलिए मैंने कहा कि ऑनेस्टी, बिकॉज वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट कि हमारी लाइफस्टाइल ऐसी है, कोई इसमें मैंने कभी छुपाया नहीं. इन्होंने भी हमेशा बोला कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी ही है एंड आई अंडरस्टैंड बिकॉज मैं इतने साल 14 साल स्विमिंग कर चुकी हूँ. तो मुझे पता है कि जब मैं थक के आती थी स्विमिंग पूल से, तब मेरे हाथ में फ़ोन भी अगर रहता था तो मैं फ़ोन के ऊपर सो जाती थी, खाना खाती थी खाने के ऊपर सो जाती थी, मम्मी आके डांटती थी कि बेटा खाना खा ले, खाने के ऊपर सो रही है. सो आई नो द फटीक, जो थकान होती है एज अ स्विमर, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन. तो मुझे भी पता था, इन्हें मेरे बारे में पता है. सो आई थिंक इट इज़ बैलेंस्ड आउट दैट वे. क्या कहना चाहिए, कभी मतलब ऐसी बहुत सारी बातें होती है जब दो लोग होते हैं और जब कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट वे होता तो ईगो क्लैश हो जाता है, अरे तुम स्टार हो, या फिर कई बार ऐसे फिल्में भी ऐसे बन चुकी हैं, ऐसा कुछ होता है या लिटरली ऐसा कुछ फील करते हैं या फिर नहीं? अभी आज तक तो ऐसा कोई फीलिंग नहीं आया. मैं जब भी ये इसका कोई भी ऐसा कुछ इवेंट होता है या इसका कोई ऐसा शो होता है जो बहुत फेमस हो जाता है, तो मेरे को अंदर से बहुत खुशी मिलती है क्योंकि ऐसे इंटरव्यूज़ पे जाने का मौका मिलता है, रेडियो पे आने का मौका मिलता है. तो
I think I'm very happy with what she's achieved, and I think he already had these things before me. It's just that he is modest to not talk about it. इन्हें मतलब मैं तो इंटरव्यू 2012 से देना शुरू की हूँ, लेकिन ये 2008 में मतलब 2008 में ऑलरेडी ओलंपियन बन चुके थे, बहुत पहले से इंटरव्यू देते आ रहे हैं और बहुत सारे बड़े बड़े मतलब ही इज़ बीन फेलिसिटेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर नरेंद्र मोदी. जब प्रेसिडेंट थे तब आई थिंक प्रणब मुखर्जी ने इन्हें फेलिसिटेट किया था, तो ही इज़ बीन ऑफ दैट लेवल. तो मैं उसमें हूँ भी नहीं, एंड आई थिंक he is just modest enough to say that you know ki mujhe acha lagta, of course he is happy that you know main acting karti hu and all, but I think maine pucha ki jab hota hai na jaise na wo bahut popular ho jata hai to bahut khush hoti hai. It's just that I think athletes ko India mein utna matlab ek face ke roop mein nahi jana jata hai, but as an actor, as a television actor or any form of actor, I'll say theater actor ho ya phir movie actor ho, वो एक हाउस होल्ड नेम बन जाता है. लेकिन आप इन्हीं के ऊपर पिक्चर बनाएंगे तो फिर ये भी एक हाउस होल्ड नेम बन सकते हैं. नहीं नहीं, मेरे को नहीं, मुझे कभी भी इसकी कोई भी बात आती है या कोई भी ऐसे बोलता है कि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आस्क मी हाउ मच इज योर वाइफ मेकिंग मोर देन यू, लाइक आई प्राउडली से यस शी इज मेकिंग एटलीस्ट 3 or 4 times मोर देन मी. देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट. तो मेरे को कभी कुछ ऐसा इफेक्ट कभी फील नहीं होता.